जंगल में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम गब्बर शेर और दूसरे का नाम सिम्बा शेर था। गब्बर शेर बिल्कुल सफेद दूध जैसा था और गब्बर शेर ही जंगल का राजा था। वो पूरे जंगल पर अपना राज करता था। गब्बर शेर जब भी जंगल में निकलता और उसे कोई जानवर अकेला खड़ा दिखाई देता तो वो उसे जाकर मार डालता था और उसे खा जाता था। अरे वाह, शिकार करके तो मजा आ गया। इस तरह अकेले जानवर का शिकार करूंगा तो किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। किसी को भी ये पता नहीं चल रहा था कि जानवरों का शिकार आखिर कर कौन रहा है सिवाय सिम्बा शेर के। सिम्बा शेर को अपने भाई के बारे में सब पता था। एक बार सिम्बा शेर अपने भाई गब्बर शेर से कहता है, सुनो भाई, चलो आज ऊंची पहाड़ियों पर घूमने चलते हैं। काफी दिनों से मेरा वहाँ जाना भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो चलते हैं। तब वो दोनों पहाड़ियों पर घूमने निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं। गब्बर शेर भी चलती ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी सिम्बा शेर ने पीछे से आकर गब्बर शेर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। गब्बर शेर ऊंची पहाड़ी से गिरकर मर जाता है। तभी वहीं पर सभी जानवर भी पहुंच जाते हैं। तब सिम्बा शेर भी पहाड़ी से नीचे उतर आता है। सिम्बा शेर, महाराज शेर पहाड़ी से कैसे गिरे? ये गिरे नहीं, इनको मैंने धक्का दिया है। ये सुनकर सभी जानवर हैरान रह जाते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपने ही भाई को कैसे मार सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरे पिता को किसने मारा था? हाँ, तुम्हारे पिता को एक शिकारी ने मारा था। नहीं, वो झूठ था। मेरे पिताजी जंगल पर राज कर रहे थे और सभी जानवरों का अच्छे से ख्याल रखते थे। सभी जानवर भी मेरे पिता से बहुत खुश थे, सिवाय मेरे भाई गब्बर शेर के। गब्बर शेर अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। पिताजी गब्बर को हमेशा समझाते थे, सुनो गब्बर बेटा, भगवान ने तुम्हें ताकत दी है, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। पिताजी, घमंड क्यों ना हो, इतना ताकतवर जो हूँ मैं। एक बार जब मैं भोजन लेने गया हुआ था तो गब्बर शेर ने धोखे से पिताजी पर हमला करके उन्हें मार डाला। भोजन लेकर जब मैं वापस लौटा तो मैंने ये सब देख लिया। अब मैं बनूंगा इस जंगल का नया राजा और पूरे जंगल पर अपना राज करूंगा। तब कुछ देर बाद तुम सब भी वहां पहुंच गए थे। ये क्या हुआ गब्बर शेर, तुम्हारे पिताजी को किसने मार डाला? ये कैसे हुआ? अभी यहाँ पर एक शिकारी आया और मेरे पिताजी को मार डाला। मैं अगर उस दिन सब कुछ बता देता तो गब्बर शेर हमें भी मार डालता। इसीलिए मैंने उस दिन को छोड़कर किसी और मौके का इंतजार किया और आज मैंने इसे पहाड़ी पर लाकर धक्का दे दिया। ये गद्दार था, इसकी यही सजा थी। तो गब्बर शेर ने ही अपने पिता को मारा था और हमसे झूठ बोला। तुमने बिल्कुल सही किया सिम्बा शेर, गद्दारों की हमारे जंगल में कोई जगह नहीं है। आज से तुम ही हमारे जंगल के राजा हो। हाँ, गाय बिल्कुल सही कहती है, आज से हम तुम्हें ही अपना राजा स्वीकार करते हैं। तब से एक लालची शेर को मारकर सिम्बा शेर ही जंगल का राजा बन जाता है और अपने पिता की तरह ही सभी जानवरों का ख्याल रखता है। तो बच्चों, अगर आपको आज की हमारी कहानी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेर की माँ बकरी। एक जंगल में शेरनी अपने छोटे से बच्चे के साथ खुशी खुशी से रहती थी। वह अपने बच्चे का बड़े अच्छे से ख्याल रखती थी। एक बार वो रात को अपने बेटे शेरू को खाना खिलाकर सुला रही थी। तभी उसे
किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। तब वो बाहर जाकर देखती है तो कुछ शिकारी खड़े थे। वो शेरनी को चारों तरफ से घेर कर मार डालते हैं। अगले दिन शेरू उठकर बाहर आता है तो देखता है कि उसकी माँ को किसी ने मार डाला। तब शेरू जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है, माँ उठो, माँ तुम्हें क्या हो गया है, माँ उठो। तभी वहाँ से एक बकरी अपने बच्चे मेमना के साथ वहीं से गुजर रही थी। शेरू के रोने की आवाज सुनकर बकरी रुक जाती है। अरे ये किसकी रोने की आवाज है, कौन रो रहा है, मुझे देखना चाहिए। तब बकरी शेरू के पास ही पहुंच जाती है और वहां शेरनी को मरी पड़ी देख बकरी बोलती है, अरे बेटा शेरू, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? मेरी माँ को पता नहीं किसने मार डाला। हमारे जंगल में कुछ दिन पहले कुछ शिकारियों ने एक हाथी को भी मारा था, ये भी उन्हीं का ही काम होगा। अच्छा, लेकिन ये इंसान हम जानवरों को क्यों मारते हैं? इनको लगता है कि हम इनको कोई नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए ये हम जानवरों को मार डालते हैं। लेकिन मैं अब अकेला कैसे रहूंगा, मेरी माँ तो मर गई, मैं कैसे रहूंगा? शेरू को ऐसे रोते देख बकरी को उस पर दया आ जाती है और वो शेरू से बोलती है, शेरू बेटा तुम रो मत, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी, आओ तुम मेरे साथ चलो। तब बकरी शेरू को अपने साथ अपने घर ले आती है और शेरू को अपने बेटे मेमना की तरह ही उसका ख्याल रखती और उसे अच्छे से भोजन कराती। एक बार एक भालू बकरी के पास आकर बोलता है, अरे बकरी तू इस शेरू को तो अपने पास ले आई हो, लेकिन एक दिन ये तुम्हारे बेटे मेमना को मार डालेगा, तुम इसे अपने घर से निकाल दो। मेरा तो समझाने का फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर भालू वहां से चला जाता है, लेकिन बकरी भी उसकी किसी बात को न सुनकर शेरू का अच्छे से देखभाल करती। अब शेरू भी बकरी को अपनी ही मां मानने लगा था। सुनो मेमना और शेरू बेटा, तुम हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना, कभी एक दूसरे से मत झगड़ना, ठीक है? हाँ माँ, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। कुछ साल बीत गए थे, अब शेरू और मेमना भी बड़े हो गए थे। अब बकरी दोनों से बोलती है, सुनो बेटा मैं भोजन लेकर आती हूँ, तुम आराम से रहना और अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर बकरी चली जाती है। तब शेरू मेमना से बोलता है, सुनो मेमना भाई, चलो आज तालाब में मछलियां पकड़ने चलते हैं, चलो। तब वो दोनों तालाब के पास पहुंच जाते हैं और शेरू मछलियों को पकड़कर उन्हें मजे से खा जाता है। मछलियों को खाकर शेरू का मुंह खून से गंदा हो जाता है। मछलियों को खाने के बाद शेरू पीछे देखता है तो वहां मेमना नहीं था। उसको वहां न पाकर शेरू बहुत परेशान हो जाता है और उसे आवाज लगाता है, मेमना मेमना कहाँ हो तुम मेमना? तभी वहां पर बकरी पहुंच जाती है। शेरू के साथ मेमना को ना पाकर बकरी बहुत डर जाती है। शेरू 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 बेटा, मेरा बेटा मेमना कहाँ है? तब शेरू बकरी को सब कुछ बताता है। शेरू की बात सुनकर बकरी का शक शेरू पर ही जाता है, क्योंकि बकरी को भालू की कही वो बात याद आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, तुमने ही मेरे बेटे मेमना को मारकर खा लिया होगा, तुम चले जाओ यहाँ से। तब शेरू वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद ही मेमना वहां पहुंच जाता है और बकरी को बताता है कि मैं यही पास में टहल रहा था। तब बकरी जल्दी से जाकर शेरू को रोक लेती है और शेरू से माफी मांगती है। उसके बाद से वो तीनों फिर से हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।